ये सारे मामलों को देखते हुए अंबेडकर छात्रावास गोलीकांड की निष्पक्ष जांच ना हो, इसके लिए अनिल किशोर यादव जी को हटाया गया है। और तमाम सूत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें धमकियां दी जा रही है कि जहां भी मिले उसको मारो, इलाज करो, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम पटना SSP और बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन DM से ये गुहार लगाना चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं और आपको आगाह भी करना चाहते हैं कि अगर हम पर गोली चला फिर या हमारी हत्या करने की, हम पर हमला करने का साजिश हो रहा है और हुआ तो ये जिसकी जिम्मेदारी आप बिहार सरकार पे होगी। पटना में अंबेडकर हॉस्टल मामला लगातार तूल पकड़ते नजर आ रहा है। दो पक्षों में जिस प्रकार से विगत कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ था और जो फायरिंग मामला हुआ था जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी थी, वहीं लड़की के पक्ष की बात कर ली जाए तो लगातार अमर आज़ाद पे ये आरोप लग रहा है कि अमर आज़ाद आग में घी डालने का काम किया कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में देखें कि अमर आज़ाद को धमकी भी मिल रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को लेके कौन कौन लोग धमकी दे रहे हैं। हमारे साथ अमर आज़ाद मौजूद है। अमर आज़ाद जी, दोनों तरफ से जो मामला हुआ, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, लड़की का पक्ष कह रहा है कि छेड़खानी हुआ, आप लोग कह रहे हैं कि दलित के साथ पीटा गया, दबाया जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम ने आपने जो बताया कि आपको धमकी मिल रहा है, कौन कौन लोग धमकी दे रहे हैं और क्या मामला है और इस पूरे मामले को लेके आपने अवगत कराया अधिकारियों से? बिल्कुल, देखिए जो भी घटना है मैंने 4 पेज का ड्राफ्टिंग कर करके सारे पॉइंट बाय पॉइंट और मैंने प्रशासन को, SSP को, DGP को, ADJ जो उस समय थे अनिल किशोर यादव थे, जो एक बिहार के सबसे ज़्यादा ईमानदार IPS ऑफिसर हैं, जो उनको वीकर सेक्शन के केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुए हैं पुलिस मुख्यालय स्तर पर, स्टेट लेवल पर, और जैसे ही मैंने, हम लोग बार बार मीडिया में बोल रहे थे, उनको ईमेल भी किया, आवेदन भी हम लोगों ने दिया, और जैसे ही उन्होंने एक मुख्यालय स्तर से एक DPSP को डिप्यूट किया था कि इस मामले की जाँच मुख्यालय स्तर पर हो, तो उनको देखिए कल हटा दिया गया ADG कमज़ोर वर्ग से। जो हम पे आरोप लग रहा है कि हम बहुजन समाज की एकता तोड़ने की बात, देखिए आप हम पे गोली भी चलाइएगा, हम केस भी ना करें, आप धमकी भी दीजिएगा, हम आपके ही वो इतने अच्छे हैं अनिल किशोर यादव जी, वो हमेशा सोशल जस्टिस की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और सबको न्याय देने की बात करते हैं, वो एकदम जाति, हम लोग सोचे थे वो उस डिपार्टमेंट के पदाधिकारी भी हैं IPS ऑफिसर, क्यों ना उनसे जांच करवाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और वो जो कुछ भी लिख देंगे हम उनको एक सवाल हम उनके अथी पे नहीं करेंगे कि आपने क्या लिख दिया या आप अपने जाति का पक्ष ले लिया या दलित छात्रों का पक्ष ले लिया, तो हटा दिया गया, तो हटा दिया गया, यही सब तो करके कि वो जाँच ना कर पाए, ये तो सरकार, इसमें पूरी पूरी सरकार की संतृप्तता है। लिपापोती क्या वो मैंने एक्शन हल हुआ, ऐसे पदाधिकारी हैं कि आपने देखा था कि नवादा में 4 शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर को किस तरह से कस्टडी में, वहां के SP ने कस्टडी में डाल दिया था, उनके ही थाने में बंद कर दिया था, और इस मामले को भी अनिल किशोर यादव जो ADG हेडक्वार्टर हैं विकर सेक्शन के और अनुसंधान पदाधिकारी हैं राज्य स्तर पुलिस मुख्यालय का, उन्होंने एक्शन लिया और SSP और वहाँ नवादा के SP पर FIR दर्ज हुआ। सोच लीजिए वो इतने ईमानदार हैं कि अपने डिपार्टमेंट के ही IPS ऑफिसर जो एक डिस्ट्रिक्ट का SP है उस पर उन्होंने एक्शन लिया। तो ये सारे मामलों को देखते हुए अंबेडकर छात्रावास गोलीकांड की निष्पक्ष जांच ना हो, इसके लिए अनिल किशोर यादव जी को हटाया गया है और तमाम सूत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें धमकियां दी जा रही है कि जहां भी मिले उसको मारो, इलाज करो, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम पटना SSP और बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन DM से ये गुहार लगाना चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं और आपको आगाह भी करना चाहते हैं कि अगर हम पर गोली चला फिर या हमारी हत्या करने की, हम पर हमला करने का साजिश हो रहा है और हुआ तो ये जिसकी जिम्मेदारी आप बिहार सरकार पे होगी, क्योंकि आपको मैंने रिटर्न में दिया है कि सभी चीज़ों का जांच कराया जाए और सुरक्षा मुहैया कराया जाए।
मगर अभी भी प्रशासन, एक भी प्रशासन ने हम लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं किया कि आपको क्या परेशानी, क्या दिक्कत। अब देखा सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी का एक है, पटना यूनिवर्सिटी का नेता है, वो फेसबुक पर लिख रहा है आपको दे दे, आपको दे देंगे आप चला। हम नाम भी उन लोगों का लेना पसंद नहीं करते हैं, इतना घटिया मानसिकता की है जो इस तरह से बात रख रहा है एक प्रतिनिधि होकर के, और वो भी सीसीटीवी फुटेज में है, मेरे पास उसका भी सीसीटीवी फुटेज है कि वो हॉस्टल में उस समय घुसा था उपद्रवियों के साथ, जो गोली चलाया था उसके साथ। कौन है? नाम हम नहीं बताएंगे, हम नाम नहीं लेंगे, आपको पता चल जाएगा, आपको हम भेज देंगे, आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया के करके। अमर आजाद जी थे, बता रहे थे कि किस प्रकार से इनको लगातार धमकी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अंबेडकर हॉस्टल का जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले की नीपापोती भी की जा रही है। ये सीधे तौर पर अमर आजाद ने बड़ा आरोप लगाया। रोहित, NBC 24, पटना।